नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइथो साइंस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप हैं, जिनकी वजह से आज ये सभी देश एग्जिस्ट करते हैं। पर हाल ही में साइंटिस्ट की एक नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इस दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से 8वां कॉन्टिनेंट अभी तक समंदर में छिपा हुआ था और इसी की वजह से उसे खोजा नहीं गया था। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 25 करोड़ साल पहले इस धरती पर सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करता था, यानी कि सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट, और इसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है पेंजिया। लेकिन फिर जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की लगातार हलचल की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया दो भागों में बट गया, जो कि थे लोरेशिया और गोंडवाना। और आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि उस वक्त हमारे भारत का इलाका गोंडवाना में आता था। अब आगे चलकर इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की खिसकने की वजह से ये दो कॉन्टिनेंट्स भी आगे और 7 भागों में बट गए, जो कि हमारे आज के ये 7 महाद्वीप कहलाते हैं, जो कि है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एशिया को दुनिया का सबसे बड़ा और यूरोप को दुनिया का सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। पर अब साइंटिस्ट ने इन 7 महाद्वीपों की फैमिली में एक और नए सदस्य को शामिल कर दिया है, जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। जी हाँ दोस्तों, यही है नया खोजा गया महाद्वीप। नाम सुनकर शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये कॉन्टिनेंट न्यूजीलैंड के समंदर में खोजा गया है। ज़ीलैंडिया का इलाका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ईस्टर्न साइड और न्यूजीलैंड के समंदर के आसपास पाया गया है। इस इलाके को अगर आप गूगल अर्थ या फिर इस इमेज में देखोगे तो आप पाओगे कि जहाँ का समंदर इतना गहरा नज़र नहीं आता है जितना आमतौर पर इन्हें होना चाहिए, और इसीलिए जहाँ पर हमें ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने हुए दिखते हैं। अगर आप इस इलाके की पूरी डिटेल में जाओ तो इस पूरे रीजन को ओशियाना रीजन कहा जाता है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया। पर आप बस इतना समझ लीजिए कि न्यूजीलैंड का इलाका पॉलिनेशिया रीजन में आता है और उसी के आसपास के इस समंदरी इलाके को ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है और इसको ही एक नया महाद्वीप घोषित किया गया है। हालांकि ज़ीलैंडिया का 94% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और बस 6% हिस्सा ही पानी के ऊपर नजर आता है, जिसमें न्यूजीलैंड, कैलिडोनिया और कुछ और छोटी मोटी कंट्रीज शामिल है। अगर हम इस न्यू कॉन्टिनेंट के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 43 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है, और वैज्ञानिकों ने इस इलाके में भरपूर मात्रा में नेचुरल गैस, ऑयल और बाकी रिसोर्सेज होने के आसार जताए हैं, जो कि न्यूजीलैंड और कैलिडोनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इस महाद्वीप पर 1995 से ही रिसर्च शुरू हो चुकी थी, जो कि 2017 में आकर पूरी हुई, और 2017 में इसे एक महाद्वीप माना गया। पर तब इसे सिर्फ एक महाद्वीप माना गया था, इस पर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर इसकी कोई मैपिंग नहीं हुई थी। पर 2020 में अब इस कॉन्टिनेंट की मैपिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और अब इसे पूरी तरह से एक कॉन्टिनेंट घोषित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन करके ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप 8 वीडियोस में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और इस वीडियो के लास्ट में दिया है, जिस पर मैं अपनी कुछ ड्राइंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।